ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को बरी किया है। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत मिली। दिग्विजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन पर आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने की बात कही थी। तब बीजेपी कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने मानहानि का दावा किया। आज एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि के मामले पर सुनवाई हुई। उसके बाद अदालत ने दिग्विजय सिंह पर लगे आरोपों से उनको दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को बरी किया है। मुझे तो इतना मालूम है कि मुझे दोष मुक्त किया है, बाकी विस्तार से फैसला वकील साहब बताएंगे। ऐसा है, मेरे ऊपर अभी तक 6 चल रहे थे, 5 रह गए हैं, जिसमें कि आरएसएस ने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है और 2 ओवैसी जी के एमआईएम पार्टी ने मेरे खिलाफ किया हुआ है और 1 बाबा रामदेव ने किया हुआ है। तो ये जितने भी मेरे खिलाफ केस है, अगर मैं कोई सच बोलता हूँ तो चुपता है, नहीं अंतुगत्वा सही बात सामने आती है। जैसे बाबा रामदेव, मैंने 2011 में कहा था ठगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनको ठगे। भिंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने भाजपा आरएसएस बजरंग दल के लोगों का नाम लेते हुए ऐसा आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप लगाया। वह आरोप झूठा सिद्ध हुआ न्यायालय में और धारा 499 के 9वें एक्सेप्शन के आधार में दिग्विजय सिंह जी को बरी किया गया है उसके प्रावधानों के अंतर्गत, और आज सभी आरोपों से मुक्त हो गए हैं दिग्विजय सिंह जी और बरी हुए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।